हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे एडवर्ब को, एडवर्ब ऑफ डिग्री में। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करेंगे फेयरली और रादर का कंपेरेटिव यूज़। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एडवर्ब का यूज एक नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, एक फ्रेज, एक क्लोज और एक कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री को इंटेंसिफायर भी कहा जाता है और आज हम देखेंगे कि कब हमें फेयरली का यूज़ करना है, कब हमें रादर का यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप ये दोनों सेंटेंस देखिए, ही इज क्लेवर और दूसरा है ही इज स्टूपिड। यहाँ पर हमें पता है कि क्लेवर और स्टूपिड दोनों ही एडजेक्टिव है, लेकिन जो क्लेवर है वो जो है वो इस प्रोनाउन के बारे में एक पॉजिटिव सेंस में इसे मॉडिफाई कर रहा है, एक उसकी पॉजिटिव क्वालिटी को शो कर रहा है। लेकिन स्टूपिड जो है वो एक प्रोनाउन की नेगेटिव क्वालिटी को शो कर रहा है। तो इसी आधार पर एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होते हैं उन्हें फेवरेबल और अनफेवरेबल दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। कहने का मतलब, जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की पॉजिटिव क्वालिटी को बताता है तो वो एक फेवरेबल एडजेक्टिव कहलाता है, और जब वही उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को बताए तो उसे कहा जाता है अनफेवरेबल एडजेक्टिव। तो पहली चीज़ आपको यहाँ से ध्यान ये रखनी है कि फेयरली का यूज़ तो किया जाएगा फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ और रादर का यूज़ किया जाएगा अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ। तो इन दोनों सेंटेंस में हम देखेंगे कि क्लेवर जो है वो एक फेवरेबल एडजेक्टिव है तो यहाँ पर फेयरली का यूज हो जाएगा, और स्टूपिड जो है वो एक अनफेवरेबल एडजेक्टिव है तो यहाँ पर रादर का यूज हो जाएगा। ये है सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा ये दो सेंटेंस देखिए, ही वॉक स्लोली और दूसरा है ही वॉक्स फास्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि फास्ट जो है वो एक एडवर्ब है और ये एक पॉजिटिव एक्शन को शो कर रहा है। उसी प्रकार से स्लोली जो है वो उसी एक्शन के नेगेटिव एस्पेक्ट को शो करता है। तो जिस प्रकार से एक एडजेक्टिव फेवरेबल और अनफेवरेबल होता है, उसी प्रकार से एक एडवर्ब भी फेवरेबल और अनफेवरेबल कैटेगरी में क्लासिफाई की जाती है। तो इसी प्रकार से हम फास्ट से पहले तो यूज कर देंगे फेयरली और स्लोली से पहले यूज कर देंगे हम रादर। ये है सिंपल सी जानकारी। तो हम यहाँ से देखेंगे, फेयरली का यूज फेवरेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ किया जाएगा और रादर का यूज अनफेवरेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ किया जाएगा। इसके अलावा फेयरली और रादर का यूज पार्टिसिपल एडजेक्टिव के साथ भी किया जाता है। देखिए, पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, जब कोई वर्ब की फॉर्म या वो आईएनजी फॉर्म है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, या वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, अगर ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होने लगे तो इन्हें पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे एन इंटरेस्टिंग मूवी, अ बोरिंग मूवी। इंटरेस्टिंग और बोरिंग दोनों जो है वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग जो है वो एक फेवरेबल एडजेक्टिव है और बोरिंग जो है वो एक अनफेवरेबल एडजेक्टिव है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो इन दोनों के यूज में ध्यान रखिएगा कि जब हम आर्टिकल के साथ इनका यूज करते हैं तो आर्टिकल का यूज फेयरली से तो पहले किया जाता है, लेकिन रादर से पहले और बाद में दोनों जगह किया जा सकता है। जैसे ये तीनों सेंटेंस देखिए, इट वॉज अ फेयरली लाइट बॉक्स, इट वॉज अ रादर हैवी बॉक्स, इट वॉज रादर अ हैवी बॉक्स। तो नीचे के दोनों सेंटेंसेज में आप देखिए कि आर्टिकल का यूज रादर से पहले भी किया गया है और बाद में भी किया गया, दोनों ही यूज सही होते हैं, लेकिन ये सिंटेक्स जो है वो फेयरली के साथ कभी भी यूज नहीं हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी नाउन फ्रेजेज है जिनके साथ रादर का ही यूज किया जाता है, फेयरली का यूज कभी नहीं किया जाएगा। जैसे डिसएडवांटेज, डिसअपॉइंटमेंट, शेम, नोसेंस, ये सारे जो है नाउन फ्रेजेज, इनके साथ हमेशा रादर का ही यूज किया जाएगा, कभी भी फेयरली का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे इट इज रादर अ शेम दैट ही हैज टू बैग, और दूसरा देखिए, इट इज रादर अ नोसेंस दैट वी कांट पार्क हियर। तो इन फ्रेजेज के साथ हमेशा रादर का यूज किया जाएगा, कभी भी फेयरली का यूज नहीं किया जाएगा, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिन्हें ना फेवरेबल एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा जाता है और ना ही अनफेवरेबल एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा जाता है, तो उनके साथ हम चाहें तो फेयरली का भी यूज कर सकते हैं और रादर का भी यूज कर सकते हैं। फेयरली का यूज ये बताएगा कि वो जो क्वालिटी या एक्शन है वो स्पीकर के लिए फेवरेबल है, और रादर का यूज ये बताएगा कि वो एक्शन या क्वालिटी जो है वो स्पीकर के लिए अनफेवरेबल है। ये एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, जैसे देखिए, हॉट है, कोल्ड है, थिन है, थिक है, इनके साथ हम फेयरली और रादर का यूज कर सकते हैं। जैसे द टी इज फेयरली हॉट भी सही है, द टी इज रादर हॉट ये भी सही है। फेयरली हॉट ये सेंस देता है कि स्पीकर को हॉट टी पसंद है
और रादर हॉट का मतलब ये है कि ये टी काफ़ी हॉट है जो स्पीकर को पसंद नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में इन एक्सप्रेशंस को यूज़ किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। अगर आप एडवर्ब की कंप्लीट वॉल्यूम देखना चाहते हैं और RPSC सेकेंड ग्रेड या जनरल इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। यहाँ पर आप कंप्लीट बेसिक ग्रामर को, कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख सकते हैं और RPSC सेकेंड ग्रेड का आप कंप्लीट सिलेबस इस ऐप पर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।